जय हिंद वंदे मातरम। मैं हिंदर सिंह परमार। आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे बुंदेलखंड एकेडमी से, पर्पज़ वीडियो आते हैं, यानी कि धर्म शिक्षक की भी आते हैं, फिजिकल की भी आते हैं, क्लासेस की भी आते हैं। अभी क्लासेस ऑफ हैं लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते हैं कि सर हम जब दौड़ते हैं हम थक जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एक्चुअली मैं इसमें वीडियो बहुत कम बना पाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन बंदे बहुत सारे कमेंट करते हैं तो मेरे पास एक प्रेशर आता है संस्था से कि आप ऐसे वीडियो बनाओ इनके लिए, थोड़ा सा इनको बताओ कि हम बेस्ट फिजिकल कैसे कर सकते हैं। तो मेरे टिप्स हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। आज थकने का सबसे बड़ा कारण होता है रेडिएशन। जो हम लोग मोबाइल चलाते हैं, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इसको दूर करना है, कम चलाना है। जो बंदा फिजिकल एक्शन मारना चाहता है या जो है ना अच्छा फिजिकल करना चाहती हैं, तो उनको थोड़ा सा इस विशेष ध्यान रखना होगा। आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो उसको थोड़ा तरीके से लो। उस समय आप चश्मा लगा सकते हो, थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा दूर रख सकते हो, सोते समय थोड़ा सा 6 फुट दूर रखें, सिर की तरफ ना रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और हम जब फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं किसी भी एकेडमी में, या स्वयं सेल्फ स्टडी सेम जैसे स्टडी करते हैं, सेल्फ हम लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग फिर क्या करते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ा कारण ही होता है, जैसे हमने फिजिकल किया, हम घर पर जाकर अपने कामों में लग जाते हैं। फिजिकल को हम फिजिकल ही मानते हैं, फिजिकल को हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मानते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दोपहर में आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, प्रॉपर आप डाइट नहीं लेते हो, कुल मिला के आप रेस्ट नहीं लेते हो। सबसे बड़ा वीकनेस का ही कारण होता है कि जब आप रनिंग करते हो जल्दी थक जाते हो, या फिर आपके सिर पैर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे बड़ा कारण है आप रेस्ट, फुल रेस्ट नहीं लिया आपने। तो मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों से, जैसे आप घर पर जाते हो तो उस समय आप लोगों को अगर नींद आती है तो सो लो, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि आप फिजिकल को फिजिकल मानना पड़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ाई को पढ़ाई मानते हैं, तो फिजिकल को फिजिकल मानना ही पड़ेगा। तो जब आपको लगता है कि मुझे थकान है, मुझे नींद आ रही है, या मैं थक चुका हूँ, तो उस समय आप कोई भी कार्य करते हो, भले ही पढ़ाई करते हो, दुकान चलाते हो, या अपनी रियल लाइफ में जो भी करते हो आप, उसको थोड़ा सा स्टॉप करके आप सो लो, आराम कर लो, भले आधा घंटा भी सो लोगे तो आपका थोड़ा सा थकान है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू ट्रेनिंग करते हैं, उसमें ट्रेनिंग में कुछ ध्यान रखना चाहिए हमारे लिए। एक्चुअली होता है कि हम एक जैसी ट्रेनिंग करते रहते हैं, अगर हम लंबा दौड़ रहे हैं तो लंबा ही दौड़ते रहेंगे, या हम स्पीड मार रहे तो स्पीड ही करते रहेंगे। थोड़ा सा हमें अपनी ट्रेनिंग में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। अगर हम मान लो एक दिन हम लोगों ने स्पीड ट्रेनिंग करी या इंटरवल ट्रेनिंग करी हम लोगों ने, तो दूसरे दिन हमारी लॉन्ग रनिंग होना ही होना चाहिए। लगभग अगर 400 मीटर का राउंड है तो आपको 10 से 12 राउंड आपको करना ही करना है। ये विशेष तौर पर करना है क्योंकि ट्रेनिंग में बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हर प्रकार की ट्रेनिंग करना है आपको, हर प्रकार से करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो आपकी स्पीड में नहीं, आपके जो बॉडी में बहुत स्टेमिना आएगी, वो बहुत इजाफा होगा। ये छोटे छोटे टिप्स से मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। जब हम लोग रनिंग करते हैं तो उस समय कुछ चीज़ को हम ध्यान भी नहीं करते हैं। अगर आप, कई बंदों को नाक से सांस लेने की हैबिट है, कई लोग मुंह से सांस लेते हैं, तो दोनों में अंतर होता है। देखो, अगर आप मुंह से सांस लोगे तो बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसका भी तरीका होता है। अगर आप नाक से सांस लेते हो तो आपको ओनली फेफड़ों की जरूरत पड़ेगी, पूरे शरीर के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कई बंदे बोलते हैं सर हमको तो नाक मुंह से ही लेने की आदत है, हम नाक से नहीं ले पाते हैं, हम तो मुंह खोल के रखते हैं। तो मुंह से सांस लेने का भी एक तरीका होता है। अगर आप मुंह नहीं चलाओगे या मुंह को साइलेंट रखोगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा खींचनी ही पड़ेगी, क्योंकि बॉडी जल्दी थक जाएगी। तो अगर आप मुंह से सांस लेते हो और आपको अगर रनिंग करना है प्रॉपर तरीके से, लंबे टाइम तक करना है, उसी में स्पीड भी मारना है आपको, तो एक तरीका होता है ऐसे कर सकते हो, यानी कि आपको ऑक्सीजन स्वतः लेना है। ऐसा नहीं कि मुंह खोल दो, नेचुरली जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं बॉडी से वो नहीं लेना है, आपको ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लेना ही लेना है। छोटा सा मुंह बना के रखना, यानी कि मुंह बड़ा खोल लो आप। ये छोटी टिप्स हैं आप लोगों के लिए। ज्यादा मुंह खोलोगे ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, छोटा सा मुंह खोलोगे तो जो नाक से ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग वही कम मुंह भी करेगा आपका, नाक वाला, यानी कम ऑक्सीजन आपको लगेगी पूरी बॉडी के लिए। ये छोटे टिप्स थे आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो बहुत सारी वीडियो, आप फिजिकल पर चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो और अपने भाइयों तक वीडियो पहुँचा सकते हो। और बुंदेलखंड एकेडमी के बैच कंटिन्यू स्टार्ट हैं, आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। मैं पहले ही बोल सकूँ, हम लोग बहनों की फीस नहीं लेते हैं यहाँ पर, लेकिन फीस नहीं लेते इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ट्रेनिंग नॉर्मल कराते हैं, ट्रेनिंग हार्ड कराते हैं। इसलिए आपको डाइट की व्यवस्था पड़ेगी, डिसिप्लिन की व्यवस्था पड़ेगी आपको, और रेगुलर आने की जरूरत पड़ेगी आप लोग। जय हिंद वंदे मातरम।